यहां तक हमने कुछ बनाया था कल, आप लोगों ने भी शाम तक बना ही लिया है। मैं क्या करता हूं, तो रजिस्टर बटन पर क्लिक करता हूं, तो आ गया रजिस्टर फॉर्म। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑन करो यार प्रोजेक्टर कोई, थोड़ी देर रोकता हूँ। अब प्रॉपर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए रजिस्टर बटन पे हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर हो जाए हमारा, लेकिन जैसे लॉगिन फॉर्म में वैलिडेशन हुआ है वैसे ही वैलिडेशन आप रजिस्टर फॉर्म में भी लगाओगे, ये आप खुद ही करेंगे। और एक करने के बाद आप जब ये कर लोगे वैलिडेशन वाली काम, तो उसके बाद में रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ वैलिडेशन आप लोग को बता दूंगा। रजिस्टर वैलिडेशन अलग बनाना पड़ेगा, रजिस्टर वैलिडेशन का क्लास अलग बनाएंगे, और रजिस्टर फॉर्म को जैसे वैलिडेट मैंने लॉग इन किया था ना वैसे ही आप लोग लॉग इन रजिस्टर फॉर्म को भी वैलिडेट करेंगे। जैसे लॉग इन का वैलिडेशन हुआ वैसे ही आपको करना है, वैसा जब आप कर लेंगे तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ कैसे वैलिडेशन होगा वो बता दूंगा। अभी क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं हम लोग रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे, देख लिया जाएगा उसको। अब रजिस्टर बटन पर जैसे हम क्लिक करें तो यूजर जो है वो रजिस्टर हो जाए, डेटाबेस में उसका डेटा इंसर्ट हो जाए, हमें ये काम करना है आज, राइट। तो इसको मैं क्लिक क्लोज कर देता हूँ, रजिस्टर में मैंने मेन फंक्शन बनाया था वो गायब कर दिया था, थोड़ी देर के लिए बना लेता हूँ मैं। आ गया मेन न्यू, रजिस्टर हो गया न्यू रजिस्टर। चलिए अब आप लोग देखिए JDBC माने जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो मैंने आप लोगों को JDBC के बारे में पूरा थ्योरी बता दिया था, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है, JDBC के पीछे की साइंस क्या है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, कैसे काम करता है, थ्योरी मतलब मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था आप लोगों का। इंटरफेस रहेगा जावा, बाकी उन्होंने बना दिया। तो अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ड्राइवर भी डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए मैं इस लिंक पे जाऊंगा और यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे सेलेक्ट किया इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे ही सेलेक्ट किया ये आ गया यहाँ पे, और जो जिप वाला है मैं इस पे कर दूंगा क्लिक, जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है ताकि समय बचे, लेकिन आप लोग को अब देखो नो थैंक्स जस्ट माई स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो डाउनलोड हो जाएगा, मैंने कर रखा है ऑलरेडी समय बचाने के लिए, देखो यहाँ पे। तो आप यहाँ से कनेक्टर डाउनलोड कर लोगे, कनेक्टर को डाउनलोड करके मैंने यहाँ पे पहले से रख रखा है, ये देखो यही कनेक्टर है। अब हमें क्या करना है, ये तो एक्सटर्नल जार है ना, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था क्लास पाथ का, दिमाग क्लास पाथ इसका सेट करना पड़ेगा। लाइट तो कट गया, क्या करूं बताओ, वेट कर लिया जाए कि ना किया जाए, कहाँ था यार भूल गया मैं अब। हाँ मैंने सब थ्योरी बता दिया था आपको, अब आता है प्रैक्टिकल की बारी। देखिए मैं क्या करूंगा, आऊंगा पहले यहाँ एक्सपेंड करूंगा प्रोजेक्ट को, एक काम अच्छा हैंग हो रहा है थोड़ा, SRC में जाऊंगा और यहाँ पे एक राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक कर दिया हूँ, थोड़ा सा हैंग कर रहा है कंप्यूटर, स्लो चल रहा है। यहाँ पे बनाऊंगा एक पैकेज, यहाँ पे लिख दूंगा डेटाबेस, और यहाँ पे एक इंटरफेस बनाऊंगा, मैं इंटरफेस बनाया और यहाँ पे इंटरफेस में लिख देंगे DB info, हो गया DB info लिख दिया मैं। अब DB info के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समय बचाने के लिए मैंने बहुत काम किया है, बस इतना ही काम करना है हम लोग को, इसी को करो कॉपी और कर दो यहाँ पे पेस्ट। मीनिंग मैं बता रहा हूँ, डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आप लोग को
एक तीन चार चीजें चाहिए, डेटाबेस ड्राइवर चाहिए, डेटाबेस का यूआरएल चाहिए, डेटाबेस का यूजर नेम चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए। मेरे पास जो डेटाबेस है उसमें यूजर नेम है रूट, पासवर्ड खाली है, डेटाबेस का ये यूआरएल है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेटाबेस अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे डेटाबेस का नाम देना है आपको, और ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर हमें चाहिए। ये ड्राइवर कहाँ मिलेगा, ये ड्राइवर दिखा रहा हूँ कहाँ मिलेगा। ये वाला जो ड्राइवर मैंने डाउनलोड किया था ना, यहाँ पे है ये ड्राइवर। ओपन विथ जार करूंगा, कॉम के अंदर जाएंगे, कॉम माई एसक्यूएल, फिर सीजे में जाइए, फिर यहाँ पे जेडीबीसी में जाइए, और यहाँ पे ये देखो ड्राइवर नाम का एक क्लास है ना, यही ड्राइवर है, यही हमको लोड कर देना है। नहीं कुछ जरूरत नहीं है कॉपी करने की, जेडीबीसी यहाँ पे जो ड्राइवर लिखा हुआ है ना, वही ड्राइवर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पुराने से जमाने में इसकी जरूरत पड़ती थी लोड करने की, अब इसकी जरूरत लोड करने की नहीं पड़ती है। मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ बना के कनेक्टिविटी कैसे बनेगा। तो हमारे पास एक, मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, मेन फंक्शन बना लेता हूँ, सीधा सीधा बात है, मेन फंक्शन बनाया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब हमारे पास डेटाबेस से कनेक्शन के लिए क्या है, क्या मैं कर दिया ड्राइवर, ये देखो ये है ना ड्राइवर मैनेजर, एक क्लास है ड्राइवर मैनेजर, क्लास है ये जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर, मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। एक तो है जिसमें कि यूआरएल देंगे हम, दूसरा है यूआरएल के साथ प्रॉपर्टी देंगे, तीसरा है यूआरएल दिया जाएगा स्ट्रिंग में, फिर कॉमा के बाद यूजर नेम, फिर पासवर्ड दीजिए। इतना जब आप देंगे ना, तो ये देखो इधर रिटर्न टाइप लिखा हुआ है कनेक्शन का, इधर रिटर्न टाइप मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, कनेक्शन का रिटर्न टाइप मिलेगा हमें। ये कनेक्शन का इंटरफेस है हमारे पास, तो मैं इसी में क्लिक कर देता हूँ, इसी वाले में एंटर मारा, डेटाबेस यूआरएल यहाँ पे आ गया, एंटर दबा रहा हूँ, यहाँ पे यूजर नेम एंटर दबाया, यहाँ पे पासवर्ड आ गया। यहाँ पे जो मैं वेरिएबल बनाया हूँ ना जी, वही वाला यहाँ पे है, वही वाला यहाँ पे लिखा गया है, समझ में आ गया। अब ये एरर दे रहा है, एरर काहे दे रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ये एरर अभी दे रहा है ना, ये कह रहा है कि ये एक्सेप्शन देगा आपको, क्या देगा, एक्सेप्शन। तो आप इसको ट्राई कैच ब्लॉक में सराउंड करो, ट्राई कैच ब्लॉक लगाओ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये ट्राई कैच ब्लॉक अपने बन गया, ट्राई कैच ब्लॉक जो है अपने आप बन चुका है। अब ये कनेक्शन रिटर्न करता है ना, अब देखिए कनेक्शन इंटरफेस में बनाया और ये लो ऐसे कर दिया मैं, ये कनेक्शन जो है वो इंटरफेस है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो राइट क्लिक किया और यहाँ पे सीओ एनएन कर दूंगा, कनेक्शन हो गया। अब मैं राइट क्लिक करके रन करता हूं, तो देखना क्या आता है, मैंने ध्यान देना इंटरफेस में मेन मेथड बना दिया है, तो इंटरफेस में भी मेन मेथड बना सकते हैं। अभी यहां पे कह रहा है नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर जेडीबीसी, इन सब के लिए हमारे पास ड्राइवर नहीं है बोल रहा है, तो ड्राइवर तो सच में नहीं है जी, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये ड्राइवर कहां रखा गया है। तो इक्लिप्स में यदि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप जाइए प्रोजेक्ट में, फिर जाइए प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे आइए जावा बिल्ड पाथ, आ गया जावा बिल्ड पाथ, फिर आइए क्लास पाथ, और यहाँ पे सेट कर दीजिए ऐड एक्सटर्नल जार, हो गया, और इसको ओपन कर लो आप, हो गया ओके। अब हमारा ड्राइवर जो है, अब यहाँ पे देखो रेफरेंस लाइब्रेरी में आ गया पूरा, MySQL कनेक्टर आ गया ना। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे और रन करता हूँ प्रोग्राम, आप देखना क्या एरर देगा, अब एरर देखना क्या देता है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, अभी कनेक्शन रिफ्यूज्ड का एरर दे रहा है, मतलब डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं बन पाया, हमारा डेटाबेस सर्वर जो है वो एग्जाम सर्वर चालू नहीं है। मैं चालू कर देता हूँ, स्टार्ट करूंगा इसको और इसको, इन दोनों को स्टार्ट कर दिया मैं। आप MySQL का वर्क बेंच डाउनलोड कर सकते हैं, कभी मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ
एक मिनट ठीक है, इधर रहो बाबू लोग। ये लैपटॉप ना किसी कारण बस मेरे को देना पड़ रहा है, इसको यहीं पे रोका जाता है और जैसे ही लैपटॉप आएगा तैसे शुरू करेंगे बताना, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ यहीं पे, इसको क्लोज कर रहा हूँ और रोक दे रहा हूँ यहीं पे। इधर देखिए आप लोग, शायद मैं पाथ सेट कर दिया था जैसा कि आप लोग बता रहे हैं उस समय पे पाथ सेट कर दिया था। अब इसको रन करना है मेरे को, रन कर रहा हूँ, अब देखना आप लोग, देखता हूँ रन करके क्या एरर आता है। मैं सारे एरर को एक साथ फिक्स करके दिखा सकता था लेकिन आपको समझ में आ सके कि किस टाइप का एरर कब आता है तो आपको जो आइडिया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना अनॉन डेटाबेस डेटाबेस नेम, मतलब इसको डेटाबेस नहीं मिल रहा है, तो डेटाबेस का नेम यहाँ पे डाल दिया जाए। डाल देता हूँ, ब्राउजर ओपन करता हूँ मैं, रिस्टोर, इधर लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन ओपन किया, न्यू पे जाता हूँ, यहां से नया डेटाबेस बनेगा। मैं न्यू डेटाबेस में जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा गवर्नमेंट रानी दुर्गावती कॉलेज डी जी आर डी सी, यही होता है ना, कर दिया मैंने डेटाबेस, यहाँ मेरा क्रिएट हो गया है। अब इसी का नाम मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा वहां पे। तो मैं यहाँ पे आया और डेटाबेस का नेम यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे मैं डाल दिया डेटाबेस का नेम। अब मैं राइट क्लिक करके कनेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं राइट क्लिक करके रन कर देता हूँ प्रोग्राम, तो अब देखना क्या होता है। देखिए आगे यहाँ पे इसका मतलब कनेक्शन को मैंने प्रिंट किया है, देख रहे हो आप लोग, इस कनेक्शन को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है तो आ गया ना, मतलब हमारा डेटाबेस से कनेक्शन बन के रेडी हो गया है। अब हम इसके आगे, अब देखना आप लोग, इसको मैं हटा देता हूँ पूरा। अब एक ठो और मैं बनाता हूँ इधर पे क्लास, यहाँ पे तो डेटाबेस का इंफॉर्मेशन ले लिया जाएगा। अब एक ठो मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ पे जो कि डेटाबेस का इंफॉर्मेशन हमको देगा, डेटाबेस कनेक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे डीबी कनेक्शन बना दिया मैं, क्लास बन गया। और यहाँ पे एक मेन मेथड, सॉरी मेन क्या बनाऊंगा मैं, गेट कनेक्शन नाम के मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक कनेक्शन रिटर्न करेगा, कनेक्शन रिटर्न टाइप दे दिया मैं और यहाँ पे कर दिया गेट कनेक्शन। हो गया कनेक्शन, बन जाएगा ना आपको यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे बना देता है कनेक्शन नाम का वेरिएबल ऐसे। और यहाँ पे मैं कनेक्शन ही टाइप का बनाएंगे, ये भी ये वेरिएबल मेरा बन के रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये नल पास कर देते हैं, इसमें नल पास कर दिया और ये किया इक्वल इक्वल नल। देन हम क्या करेंगे, यही डीबी इन्फो है, हम क्या करते थे ड्राइवर मैनेजर को ले लेते थे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन करते थे ना, ये क्या मैं कर रहा हूं, ड्राइवर मैनेजर चाहिए मेरे को ये वाला, या डॉट गेट कनेक्शन चाहिए था, तो गेट कनेक्शन और सारा यूजर नेम डेटाबेस पासवर्ड आ गया इसमें चाहिए यहां से, यह है डेटाबेस कनेक्शन क्लास, ये कर दिया है। अब ये कह रहा है एरर आ रहा है, तो यहां पे लिखूंगा मैं डीबी इन्फो, डीबी इन्फो इंटरफेस के अंदर है ना डेटाबेस का यूआरएल, तो ऐसे ही हो जाएगा, यूजर नेम और इधर पासवर्ड,
हो गया। अभी एरर दे रहा है यहाँ पे, तो ये कहेगा ट्राई कैच में सराउंड करो, तो देखो मैं ट्राई कैच में डाल दिया है, चला गया ट्राई कैच में। अब एक कनेक्शन इंटरफेस का ऐसे हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिटर्न सी ओ एन एल हो गया ऐसे, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे नल, रिटर्न नल। और इसके एल्स में क्या रिटर्न मैं कर दूं, एल्स रिटर्न सी ओ एल एल। ये हमारा कनेक्शन बनके रेडी हो गया। ये सिंगलटन पैटर्न पे बन रहा है, सिंगलटन पैटर्न पे मैं बना रहा हूं कनेक्शन। सिंगलटन पैटर्न क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। प्राइवेट कर देंगे कंस्ट्रक्टर को, ये हो गया, और क्लास को कर देंगे फाइनल ताकि इनहेरिट ना हो सके। फाइनल हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया है। तो हमारा ये जो कनेक्शन है ना बनके रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये डीबी में इतना कोड मैं किया हूँ ये जान ही रहे हो आप लोग, तो ये सब मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं सिंपल रजिस्ट्रेशन में आऊंगा, ये सब बंद कर दो, सारा बंद कर देता हूँ मैं। मैंने जितना कोड किया समझ में आ गया अभी तक का, चलिए ये अच्छी बात है। मैं आता हूँ लिसनर के पास, लिसनर में एक रजिस्टर लिसनर बना दूंगा मैं, रजिस्टर लिसनर, रजिस्टर लिसनर हो गया। अब रजिस्टर लिसनर को क्या मैं करूंगा, इंप्लीमेंट कर लूंगा किससे, एक्शन लिसनर से। एक्शन लिसनर से इंप्लीमेंट किया मैं, इंप्लीमेंट करने के बाद एड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड कर देंगे यहाँ पे, तो ये एड हो गया। यहीं पे हम अपना कोड लिखेंगे अभी। अब फिर से मैं आता हूँ लॉगिन फॉर्म वाले में और यहाँ पे रजिस्टर पे आता हूँ। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने पे काम होना चाहिए ना, तो रजिस्टर बटन है कहाँ पे जी, ये है ना रजिस्टर बटन, तो यहाँ रजिस्टर डॉट एड एक्शन लिसनर कर देता हूँ और इसमें करेंगे न्यू। अब एक्शन लिसनर इंटरफेस का इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, मतलब उसके इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको बताया था आप लोगों को मैंने। तो यहाँ पे लॉगिन लिसनर नहीं आ रहा है, रजिस्टर लिसनर आना चाहिए ना जी, न्यू रजिस्टर आ गया ना, रजिस्टर लिसनर, ये देखो ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये हमारा काम हो गया, ये चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है ये तो, हो गया यहां तक। आगे चले, अब मेन कोड क्या करूंगा, रजिस्टर लिसनर में मैं कोड लिख रहा हूं, इसमें मैंने डाल दिया इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया है, अब मेरे को कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि सारा डेटा उठाऊंगा मैं फॉर्म से, क्या करूंगा फॉर्म से डेटा उठाऊंगा। तो फॉर्म से डेटा उठाने के लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा, इसके कंस्ट्रक्टर में दिस पास करना पड़ेगा, समझ रहे हो आप लोग, दिस पास कर देता हूँ। क्यों दिस पास करूं, क्योंकि लिसनर क्लास में मुझे इन टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना है, तो दिस पास कर दूंगा तो वहां एक्सेस कर लूंगा ना। अब मैं दिस पास किया तो यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर, तो यहां से क्रिएट कर दूं कंस्ट्रक्टर, क्रिया क्रिएट कंस्ट्रक्टर यहां पे बन गया ना, बड़ा बढ़िया आसान टेक्निक है ना, ये लो ऐसे हो गया। This dot register equal to ऐसा semicolon हो गया। अब ये रजिस्टर में एरर आ रहा है तो इसको सेव मैं कर देता हूं, तो एरर खत्म हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें मिल गया है क्या,
इस रजिस्टर में सारा टेक्स्ट बॉक्स वगैरह मिलेगा हमें, समझ रहे हो आप लोग। अब मुझे क्या करना है, एक बीन क्लास में बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, बीन क्लास। इतनी क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं थी, बिना क्लास बनाए भी काम हो सकता है, लेकिन इस पूरा बतिया सुन लो पहले, लेकिन इस प्रोजेक्ट को मैं एक डिजाइन पैटर्न से बना रहा हूँ, ताकि जब आप इसका सर्वलेट जेएसपी पे वेबसाइट वगैरह बनाओ ना, तो वहां पे जो डिजाइन पैटर्न फॉलो होता है, कुछ उस तरह का डिजाइन पैटर्न मैं इसमें डाल रहा हूँ, ताकि जब वेबसाइट वगैरह पे काम करो तो इसी के जैसा वहां भी डिजाइन पैटर्न रहेगा, तो वो वाला आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे इतना ज्यादा क्लास व्लास बना रहा हूँ। एक पैकेज बना लेते हैं बीन नाम से, बी एन, और यहाँ पे फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, बना दूंगा क्लास, और यहाँ पे रजिस्टर बीन। अब पता नहीं बीन का स्पेलिंग रियल में क्या है यार, मेरे को मालूम नहीं है, क्लियर नहीं दिख रहा है, धुंधला अब कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। उतने देर से बता कहा नहीं रहे थे, तो देखा जाएगा। मैं बहुत, मैं क्या क्या स्टोर में कर रहा था, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, प्राइवेट स्ट्रिंग, एस टी आर आई एन स्ट्रिंग, नेम कॉमा ईमेल कॉमा एम ओ बी आई एल ई, ये प्राइवेट हो गया, पूरा बन गया। अब इसका बनाना है हमें सेटर और गेटर, एक फंक्शन बनेगा जिसमें वो एक फंक्शन बने, जितने वेरिएबल है उतने फंक्शन बनेगा, एक फंक्शन इसमें डेटा सेट करेगा और एक फंक्शन डेटा गेट करेगा। बनेगा कैसे, सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, या फिर नीचे आता हूं, राइट क्लिक करूंगा, सोर्स में जाऊंगा और यहाँ पे लिखा है ना सेटर गेटर जनरेट, इस पे क्लिक करूंगा और आल सिलेक्ट करके कर दूंगा जनरेट, बन के रेडी। हमें नहीं लिखना है भाई, हो गया। अब इसको बंद कर दीजिए, बंद करने के बाद अब एक और क्लास बनेगा, क्या बनेगा एक और क्लास है, बता रहा हूं, रजिस्टर डाओ, रजिस्टर डाओ, डी ए ओ डाओ, मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। अब डाओ में एक मेथड मैं बनाऊंगा पब्लिक रजिस्टर नाम से, रजिस्टर, और इसको ये क्या रिसीव करेगा, रजिस्टर, ये रजिस्टर बीन रिसीव करेगा, रजिस्टर डाव नहीं होगा यार, रजिस्टर बीन होगा, रजिस्टर बीन, बीन हो गया। ये रिटर्न क्या करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा, ये ट्रू या फाल्स, रिटर्न ट्रू या फाल्स, टी आर यू। इतना बन गया। अब आते हैं हम रजिस्टर लिस्नर में, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं रजिस्टर बीन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, रजिस्टर बीन है यहां पे, रजिस्टर बीन इक्वल टू बीन न्यू, हो गया। अब आप लोग देखिए, बीन डॉट सेट नेम, सेट नेम में स्ट्रिंग मांग रहा है, लेकिन कहां से आएगा, तो आएगा इस वाले से, रजिस्टर वाले से। रजिस्टर में क्या है, नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, रजिस्टर डॉट नेम, नेम आ गया ना, डॉट टेक्स्ट, डॉट गेट टेक्स्ट है, गेट टेक्स्ट है, ये है, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है चीजें, नहीं आ रहा है, चलो आ रहा है तो अच्छी बात है। फिर बीन में आऊंगा डॉट सेट मोबाइल, मोबाइल, अच्छा ईमेल है ना यार, भारी मिस्टेक हो गया ये तो, कोई बात नहीं, अभी बदल देते हैं, वहां भी ईमेल लिखे थे, मोबाइल, मोबाइल लिखा था ना, मोबाइल पासवर्ड ना होना चाहिए दी, वही तो मैं सोच रहा हूँ सर, आप लिखे उसी बात पे, अरे गलती हो गया यार वो,
फिर से जनरेट करेंगे हम है जनरेट, ये खाली पासवर्ड वाला अब आएगा जी। अरे इंटेलिजेंट है, बन गया ना, राइट क्लिक करके जनरेट कर दिया, देखना वीडियो में। पासवर्ड मोबाइल को डिलीट करके बना दिया मैं पासवर्ड को, गेटर सेटर जो बना था ना मोबाइल का उसको डिलीट किया मैं। ये पासवर्ड के लिए बना और यहाँ पे बिन डॉट ईमेल के लिए भी बनना चाहिए ना, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, इन तीनों में पेस्ट करूंगा और नेम के जगह पे क्या कर दूंगा ईमेल पासवर्ड। हमारा काम बन गया, डेटा मैंने फॉर्म से उठाया और बीन में मैंने सेट कर दिया, सेट कर दिया। अब इस बीन को मैं जहां चाहूं भेज दूंगा। वेबसाइट में भी क्या होगा कि हम डेटा उठाएंगे फॉर्म से और बीन में इसी तरह से हम सेट करेंगे, जो सर्वलेट जेएसपी पे अगर वेबसाइट वगैरह पे काम करेंगे तो, ठीक ना। अब सेट हो गया, अब मैं क्या करूंगा देखो, मैंने यहां पे रजिस्टर डाओ बनाया है। रजिस्टर डाओ का मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, एक क्लास ऐसा है जो कि डेटाबेस को एक्सेस करेगा। तो अब बनाते हैं रजिस्टर डाओ, रजिस्टर डाओ ना मिल रहा है, रजिस्टर डी लिखता हूं तो आएगा, नहीं आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना आए। आर ई जी आई एस टी आर रजिस्टर, क्या कह नहीं रहा है, यदि नहीं आएगा ना तो मैं यहां से करूंगा इसको कॉपी और लिसनर में आऊंगा, ये देखो लिसनर यहाँ पे, और इसको मैं यहां से कर दूंगा पेज। अब तो आएगा ये, इसको तो कुछ फर्क ना पड़ रहा है जी, मैं तो डिफॉल्ट पैकेज में है यार। ओपन करते हैं, ये डिफॉल्ट पैकेज में इसको नहीं होना चाहिए था, कहाँ होना चाहिए था, इसको डाओ पैकेज में होना चाहिए था, पैकेज और यहाँ पे लिख देंगे डीएओ डाओ। अब ये कह रहा है मूव टू रजिस्टर डॉट जॉब पैकेज, मैं यहीं पे क्लिक कर दिया, मूव हो गया ना यहाँ पे, अब ठीक है। अब फिर से आता हूँ मैं लिसनर में, क्या अब मैं इसको, क्यों ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पब्लिक क्लास तो बना ही हुआ है, रजिस्टर डाउन सेव कर ही दिया हूं मैं, इसको प्रॉब्लम आखिर क्या आ रहा है। है तो यार रजिस्टर डाव यहाँ पे आ गया है, रजिस्टर डाव, रजिस्टर डाव डी ओ ओ ए इक्वल टू न्यू रजिस्टर डाव आ गया है भाई, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डी ओ ए डॉट रजिस्टर मेथड है ना एक, तो ये देखो रजिस्टर मेथड कॉल हुआ और बीन यहाँ पे आ गया अपने आप, ठीक है। अब इफ लगाता हूं मैं, इफ रिटर्न ट्रू फॉल्स करेगा ना, रजिस्टर जो बीन नाम का मेथड है वो ट्रू फॉल्स यहां रिटर्न करता है, तो हम क्या करेंगे, यदि ये रिटर्न करता है ट्रू, यहां पे डबल इक्वल ट्रू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे यदि मैं ना लिखूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और यदि ट्रू रिटर्न करेगा तो हम क्या करेंगे, मैसेज देंगे, मैसेज जे ऑप्शन पेन से दे दें, जे ऑप्शन पेन डॉट डॉट सो मैसेज था इधर कहीं होगा, क्या रजिस्टर यहाँ पे क्या दे देंगे,
SUCCE सक्सेस, ज्यादा सक्सेस हो गया है हो, हैं? यहाँ पे कर देंगे SUCCE. क्या कह रहे हो? ये है मैसेज, ये है डायलॉग बॉक्स का टाइटल, समझ रहे हैं आप लोग? हो गया जो ऑप्शन पिन डॉट, इधर कर देंगे इंफॉर्मेशन मैसेज, इंफॉर्मेशन दे रहे जी, डन हो गया. ठीक है, और यदि फाल्स रिटर्न करेगा तो हम क्या दे देंगे? एल्स. लिखने की तो जरूरत एल्स थी ही नहीं, हमें सीधा हम कर देते एरर, और यहाँ पे कर देंगे फिर जल्दी. हो गया, चलो इतना काम बन गया. अब हमें मेन काम क्या करना है इस रजिस्टर फंक्शन के अंदर. अब मेन हमारा यहीं पे फिल्म स्टार्ट हुआ, बाकी तो सेटअप कर रहे थे उतने देर तक, पता नहीं क्या हो गया. अब यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं. तो अब हमें CONN कनेक्शन यहाँ पे लेना है, फिर CONN इक्वल टू डीबी, डीबी डेटाबेस है, डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन. ये हो गया, कनेक्शन आ गया. अब कनेक्शन आने के बाद जो है हम क्या करेंगे, CONN डॉट क्रिएट स्टेटमेंट है. क्या है? क्रिएट स्टेटमेंट. ए कॉल करूंगा मैं, तो ये स्टेटमेंट इंटरफेस का हमें वो रिटर्न कर देगा. डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉल करते हैं. स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट दो होते हैं, दोनों में अंतर क्या है मैं बताऊंगा आप लोगों को. तो यहां पे हम एसक्यूएल का स्टेटमेंट डाल देंगे. अब यहां पे मैं क्या करूंगा, प्री लिख के कंट्रोल स्पेस मारूंगा, तो यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑप्शन आना चाहिए. प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट आ गया ना, ये जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर इंटरफेस है, आई वन इंटरफेस, बस पीएस ले लिया यहाँ पे इक्वल. ये हो गया. अब ये एरर दे रहा है, देखना काई के लिए एरर दे रहा है. तो ये बोल रहा है ट्राई कैच में डालो, ट्राई कैच में डाल दे, ऐसे क्लिक किया ट्राई कैच के अंदर ही चला गया. अब एंटर पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग करेंगे, सेट स्ट्रिंग हो गया, वन डाल देंगे पैरामीटर, और यहां पे क्या डाल देंगे, बीन डॉट गेट नेम, नेम हो गया. इसी को कॉपी पेस्ट मार दूं क्या? पेस्ट कर दिया, फिर से पेस्ट कर दिया, ये आ गया. और इसके बाद जो है नेम के बाद हम क्या ले लेंगे, ईमेल, और यहां पे ले लेंगे मोबाइल. हाँ यार क्या करें, दिमगवे काम ना कर रहा है. तीन हो गया. अब फिर यहां करेंगे ps डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट यहां पे होगा, होगा एग्जीक्यूट अपडेट है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करेंगे सेमी कॉलन. अब फिर से यहां इफ लगाएंगे, यदि इक्वल इक्वल वन है तो हम क्या कर देंगे, कर देंगे रिटर्न ट्री आर यू ट्रू, रिटर्न ट्रू कर देंगे, और नहीं तो आखिरी में रिटर्न ट्रू जो लिखा है इसी को कर देंगे फाल्स, रिटर्न फाल्स, एल्स वाइज छोड़ो नहीं कुछ करेंगे. हो गया काम. अब रजिस्टर लिस्नर में मैं जाता हूं, लिस्नर में हमने क्या किया है, लिस्नर में हमने यही सब काम किया है. अब आप लोग देखिए, मैं फिर से आता हूँ रजिस्टर डाओ में, और एक डेटाबेस हमें बनाना चाहिए. अब आते हैं डेटाबेस सेक्शन में, डेटाबेस सेक्शन में आया, और यहाँ पे टेबल में बना दूंगा, आप लोग क्वेरी वगैरह से बना लेना, मैं ऐसे ही बना देता हूँ. नेम टेबल का क्या नाम दे दें यार, यूजर, यूजर दे दिया टेबल का नाम, एंटर मारा, अपने आप जो है नीचे बनने लगा. यहाँ पे लिखेंगे नेम, नेम डेटा टाइप का स्ट्रिंग होगा तो वार क्यार ले लेंगे, यहाँ पे लेंथ मांग रहा है दे देंगे 100. फिर नेम के बाद हमें क्या लिखना है, ईमेल, इसको ले लेंगे वार क्यार 100 ही दे देता हूं. ये क्या होगा, यूनिक होगा, ये क्या होगा, ये यूनिक होगा ये ईमेल.
प्राइमरी की बना दिया मैं इसको सीधा, पासवर्ड हो गया, ये भी होगा बार क्या, और इसको भी दे देंगे 100। मैं मारा इंटर, अरे होगा ज्यादा तो हो है? नहीं पासवर्ड काहे के लिए यूनिक रहेगा। अब कर देते हैं जी सेव, इन करेक्ट कॉलम स्पेसिफाई कॉलम ईमेल, क्या बोल रहा है, मतलब प्राइमरी की मैं इसको ना बनाऊं, ठीक है। यहाँ पे एक आईडी ले लेता हूँ और इसको बना देता हूँ प्राइमरी की। अरे यार मैंने गलत किया, प्राइमरी की तो बनेगा ही, ये ऑटो इंक्रीमेंट ईमेल नहीं हो सकता। मतलब ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब, चलो पूछना कल थ्योरी में, रुको मैं बताऊंगा, ये तो डेटाबेस का पार्ट है, वैसे मैडम बताई होंगी आप लोगों को, लेकिन मैडम नहीं बताई होंगी तो मैं ही बता दूंगा, चलो मैं ही बता दूंगा फिर। ये देखो आ गया सेम एज इट इज, हमें यहां से कॉपी करना है इंसर्ट का क्वेरी और यहां पे आना है, बस एक ही काम करना है, यहां पे पेस्ट, तीन तो यहां पे आप क्वेश्चन मार्क दे दो, तीन क्वेश्चन मार्क दिए क्योंकि तीन वैल्यू आएगा, पहले नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा। पहला कौन सा, नेम, दूसरा ईमेल और तीसरा पासवर्ड, तो यहां पे भी वही हमने एक दो तीन स्पेसिफाई किया है, ठीक। चलिए प्रोग्राम रन कर दिया जाए, कहां गया लॉगिन फॉर्म, अब क्योंकि लॉगिन फॉर्म में ही तो मेन मेथड बना है, मैं राइट क्लिक करता हूं और बस रन पे क्लिक करता हूं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है कि प्रॉब्लम नहीं आता है। रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, कुछ नाम बताओ जी, raj@gmail.com, 1 2 3 4 5 6, रजिस्टर पर क्लिक कर दें, सक्सेस हो गया, रजिस्टर आपका हो गया आपका रजिस्टर। अब यहां पे मैं आता हूं, ब्राउज पे क्लिक करता हूं, मैं ओके किया, डेटाबेस में इंसर्ट हो गया, बधाई हो आपका काम हो गया, कितनी सुकून मिल रहा है इसको, ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन का काम सक्सेस। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूं, अब इससे ज्यादा अब आज ना पड़े, लॉगिन करेंगे तो होगा, लेकिन लॉगिन का कोड नहीं लिखे ना, कोड नहीं लिखे ना, हमने तो रजिस्टर किया है, अभी रजिस्टर बीन, रजिस्टर डाओ, ये है डीबी कनेक्शन, ये है डीबी इन्फो, ये है रजिस्टर का फॉर्म और ये है रजिस्टर का लिसनर, इन सब का फोटो खींचोगे? हाँ सर वही तो है, सब लॉगिन फॉर्म सर सब ला लीजिए क्या, मतलब आप जो बताए हैं उसको ही पहले नहीं शुरू शुरू क्या बनाया था उसको बताइए, मेरे को नहीं मालूम यार, सबसे पहले डेटाबेस, ये डेटाबेस में ये हमने किया, ये है डेटाबेस, फिर हम डेटाबेस कनेक्शन में आते हैं, ये है डेटाबेस कनेक्शन का, ये इधर डेटाबेस का पासवर्ड लिया है लास्ट में, जिस सीक्वेंस में दिखा रहा हूं उसी सीक्वेंस में आप कोड लिखोगे, हो गया। अब इसके बाद बनाया रजिस्टर बीन, तो ये रजिस्टर बीन है, छोटा कर दे, हाँ ये है रजिस्टर बीन, हमने उसके बाद ये बनाया रजिस्टर बीन, रजिस्टर बीन बनाने के बाद हमने क्या किया, हम रजिस्टर इस पे मैं आता हूं और ये देखो ये एक लाइन मैंने किया है, यहाँ पे एक्शन लिसनर को दिया है, अब लिसनर में ही हम मेन काम करते हैं सारा काम, तो लिसनर में हम आते हैं और ये सब काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये लिसनर है, लिसनर में हमने क्या कॉल किया है, बीन का ऑब्जेक्ट बना के बीन में पूरा डेटा सेट किया और फिर रजिस्टर डाओ में रजिस्टर मेथड कॉल किया है, तो अब आते हैं रजिस्टर डाओ में, रजिस्टर डाओ में हमने ये सब काम किया है, जो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है क्या अभी, अच्छा यूट्यूब पे जो होगा वो देख लेगा, देखें तो उसका भी कुछ भला हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे ये काम कर दिया, अब आपकी इच्छा काम आज करो या कल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
छुट्टी के बाद देखो, छुट्टी के बाद करोगे? कब तक होगा छुट्टी? वैसे भी है कुछ समय, देख लो, मैं जा नहीं रहा हूँ अभी, बंद कर देते हैं इसको।